हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलिए आज हम बनाते हैं दाल, जो कि चार प्रकार को मिला के बनाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनेगी आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो। तो मैंने इसमें चार तरह की दाल ले ली है, जो कि है थोड़ी सी उड़द के, मूँग के, अरहर के और मसूर की दाल भी ले लेंगे इसमें, और एक छिलके वाली भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये चार तरह की दाल ले ली है, तो इसे मैंने पहले ये सारे दाल अच्छे से धुल के मैंने अपने प्रेशर कुकर में डाल दिया। देन इसमें मैंने दो प्याज लिए, छोटे छोटे बारीक लंबे लंबे, आप जैसे भी शेप में काट सकते हैं, क्योंकि ये बनाते वक्त ही इसी के अंदर पक जाएंगे, हमने उसी वक्त डालनी है। देन इसमें दो टमाटर काट के डाल देंगे, और उसके बाद टमाटर प्याज डालने के बाद और टमाटर प्याज डालने के बाद इसमें आप आलू डालें और गाजर। आलू आपने एक डालना है अगर आपके पास बड़ा है, और छोटा है तो दो डाल सकते हैं। तो आलू भी डाल देंगे और गाजर भी डाल देंगे, बारीक काट काट के छोटे छोटे। अगर आपके पास ऑरेंज वाला कैरेट है गाजर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मीठे होते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही डाला है, लेकिन आपने वो वाला डालेंगे क्योंकि वो कम मीठा होता है। तो इसमें हल्की सी मिठास आएगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दाल इसमें सब अच्छे से मिक्सअप होके बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ये सारी सब्जियों और टमाटर और प्याज डाल के। देन उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च डाल देनी है, स्लिट करके दो हरी मिर्च। उसके बाद फिर हमने इसमें ऐड कर देना है पानी, अपने जितना आपने दाल में पानी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे, एक दो गिलास, और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा तभी दाल अच्छी बनेगी। फिर इसमें नॉर्मल मिर्च, हल्दी और नमक डाल देंगे, और इन तीनों मसाले का कॉम्बिनेशन इसमें डाल के प्रेशर कुकर को बंद करके प्रेशर दे देंगे 1 से 2 सीटी। जैसा कि आपको पता है ये चारों दाल बहुत जल्दी ही गल जाती है, तो ये 2 सीटी में अच्छे से पक जाएगी, इसे ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा पक जाएंगे तो ये दाल बहुत ज़्यादा ही पतली हो जाएगी और सारे दाल स्मैश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 सीटियाँ देनी है। 2 सीटी देने के बाद इसमें तड़का क्या डालना है, फिर हमने तड़के तैयार करना है। तड़का में ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसमें सरसों राई ले सकते हैं या फिर जीरा ले सकते हैं, या फिर दोनों की कम्बिनेशन भी ले सकते हैं आप, आपके पास जो भी अवेलेबल हो घर में। मैंने दोनों कम्बिनेशन लिया, जीरा और राई। उसके बाद इस तेल में जीरा और राई को अच्छे से तड़कने देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन बहुत ही ज़रूरी है इसमें, दोनों को छोटे छोटे बारीक काटने हैं। और उसके बाद इसमें हरी मिर्च के 1 से 2 हरी मिर्च छोटी छोटी काट के डाल देनी है। उसके बाद इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे ब्राउनिश होने तक के लिए, और ब्राउनिश होने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए हैं। देन इस स्टेज में हम टमाटर डालेंगे, 2 टमाटर मैंने और भी इसमें डाले हैं काट के, और इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। सौते तब तक करेंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं, आगे प्रोसेस में आप देखेंगे कितने गलाने हैं इस टमाटर को। टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए मैंने थोड़े से इसमें नमक ऐड किया, जैसा कि आप जानते हैं दाल में पहले से नमक था, तो इस स्टेज में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये सिर्फ गल जाए टमाटर अच्छे से। देन इसमें हम हींग का पाउडर डालेंगे, आप अपने महक के स्वाद के अनुसार डालें, मैंने आधा चम्मच डाला है। किसी किसी का हींग स्ट्रांग होता है, किसी किसी का नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा दाल में, और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे बहुत बढ़िया से, और इस टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से गल जाए इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर काफ़ी हद तक पक चुके हैं, अब इस स्टेज में हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे, लाइक धनिया हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, इन सबको मिला के अच्छे से सौते कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल के सौते कर लेंगे, दाल में पहले से मसाले पड़े हैं इसलिए बहुत ही कम मात्रा में मसाले डालेंगे, और इसको अच्छे से पकाएंगे हम टमाटरों को जब तक ये गल नहीं जाता और पक नहीं जाते अच्छे से। काफ़ी हद तक इन मसालों के साथ टमाटर पक चुके हैं,
आगे हम इस प्रोसेस में जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक पक के, इसमें हम आधा चम्मच जीरा पाउडर भी डालेंगे। जीरा पाउडर हल्का सा डालेंगे हम आधा चम्मच के बराबर। उसके बाद इसको अच्छे से सौते कर लेंगे और इसमें कोई मसाले नहीं पड़ेंगे। अगर आपके पास जीरा नहीं है तो इट्स ओके, कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। इससे बस जीरे की और भी अच्छी महक और स्वाद आता है दाल में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सारे मसाले और सब अच्छे से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे जो हमने दाल पहले तैयार की थी वो दाल हम इस स्टेज पे डाल देंगे और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। आप देख रहे हैं इसमें टमाटर आलू सारे अच्छे से पक गए हैं। और दोस्तों ये दाल इतनी स्वादिष्ट बनती है पूछो मत, और खाने में भी लाजवाब है। इसको चावल के साथ और रोटी के साथ किसी के साथ खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और ये दाल बहुत ही पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें हरी सब्जियां भी मिली हैं, और एक तरह से ये दाल में भी मिलके और टेस्टी बन जाती है। और इसमें हमें थोड़े से धनिया गार्निश कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे। और उसके बाद पकने के बाद गर्मा गर्म परोसिए, बहुत ही अच्छी बनती है। इसको हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और दोस्तों याद रहे ये दाल इसी तरह बनती है और इसमें कुछ भी मिलाते नहीं है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में बने रहिएगा। फिर लेके आएंगे कोई नई रेसिपी मेरे वीडियो में मेरे चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए दाल कितनी स्वादिष्ट और अच्छी लग रही है। और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।